हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार बेल मिल जाता है तो क्या उस बेल को कैंसिल करा सकते हैं, उस बेल को कैंसिल किस आधार पर किया जा सकता है और बेल को कैंसिल कहाँ पे कराया जाएगा, कानून में कहाँ पे इसका प्रोविजन है, किस प्रकार से बेल को कैंसिल कराए, क्या क्या आधार होनी चाहिए, कहाँ से वो बेल कैंसिल होगा, तो इनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है तो उसके परिजन को उनको बेल कराने की आवश्यकता पड़ती है और वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको जेल से निकाला जाए, इसको बेल करा के जेल से निकाला जाए और इसको स्वतंत्र किया जाए। तो वो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, वकील साहब आर्गुमेंट करते हैं और यदि उसको बेल ग्रांट हो जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। बेल बाहर निकलते हैं लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो चाहता है कि इसका बेल कैंसिल करा दें। तो बेल कैंसिल कराने के लिए सबसे पहले क्या क्या कारण होनी चाहिए, उस कारणों को जानिए। बेल कैंसिल कराने के लिए सबसे पहला ये कारण है कि जब आपको बेल ग्रांट किया जाता है तो बेल ग्रांट करने के बाद आपको कुछ लिबर्टी दी जाती है, उस लिबर्टी का आप मिसयूज ना करें। जैसे कि मान लीजिए आपको बेल दे दिया गया और बेल देने के बाद आप फिर आते हैं और फिर दूसरा कोई क्राइम कर देते हैं तो उस स्थिति में आपका बेल कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात है कि जब आपको बेल दिया जाता है तो बेल देते समय कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के आधार पे आपको बेल दिया जाता है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप शहर के बाहर नहीं जाएंगे, आप थाने में सप्ताह में एक बार आएंगे, आपको हर डेट पे कोर्ट में एफियर होना है, आना है। ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं और वो टर्म कंडीशन लगाते हैं और उसमें से किसी भी कारण का आप यदि वायलेशन करते हैं, मान लीजिए कोर्ट में डेट पड़ रहा है और डेट पे आप नहीं आते हैं तो भी आपका बेल कैंसिल हो सकता है। आप फिर क्या होता है, अगला कारण ये भी हो सकता है कि आप पे जो बेल दिया गया है उस बेल का आप बाहर जाते हैं और दूसरी पार्टी को, गवाह को धमकाते हैं, उसको धमकी देते हैं कि तुम गवाह ही नहीं दो, इस तरीके की हरकत करते हैं और जो पीड़िता रहता है वो पीड़ित विक्टिम जो है आपके बेल कैंसिल कराने का एप्लीकेशन फाइल करता है तो इस आधार पे भी बेल कैंसिल हो सकता है। अगला कारण यह है कि बेल कैंसिल करने के लिए कोर्ट के पास एविडेंस का होना जरूरी होता है, बिना एविडेंस के वो आपके बेल कैंसिल नहीं करेगा। बेल कैंसिलेशन का जो प्रोविजन है वो 439 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी सेक्शन 439 सबसेक्शन 2 में आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसका प्रोविजन दिया गया है बेल कैंसिलेशन कराने का, बेल कैंसिल करने का प्रोविजन आपको सेक्शन 439 सबसेक्शन 2 में प्रोविजन है और इसके तहत आप बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन बेल कैंसिलेशन के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि आप के जो बेल प्रदान किया गया था उस समय आप को जो टर्म कंडीशन किया गया था उस टर्म एंड कंडीशन को आप यदि वायलेशन कर रहे हैं, आपको जो लिबर्टी दिया गया उस लिबर्टी को आप उल्लंघन कर रहे हैं या फिर कोर्ट के पास कुछ ऐसा एविडेंस है तो उस आधार पे भी आपका बेल कैंसिल हो सकता है, या फिर दूसरा पार्टी जो है वो आपके बेल पे उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जब आपको बेल ग्रांट किया था, अब ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो इस स्थिति में तो बेल कैंसिल होना मुश्किल हो जाता है। बेल कैंसिल कराने के लिए यदि पार्टी जिस समय आपको बेल हुआ है और उस समय यदि ऑब्जेक्शन डाला जाता है तो उसी कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं तो बेल कैंसिल हो सकता है। लेकिन यदि बेल ग्रांट हो गया फिर कैंसिल होता है तो सेम कोर्ट में जज साहब एक्शन कोर्ट के पास यदि एविडेंस होता है तो कोर्ट खुद बेल को कैंसिल करके आपको NBW जारी कर देती है, नॉन बेलेबल वारंट जारी करके आपको जेल भेज सकती है। उसके बाद क्या होता है कि आप यदि डेट पे नहीं गए और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो इस स्थिति में भी आपके बेल को वो कैंसिल कर सकती है। तीसरा चीज है कि 439(2) के तहत जो दूसरी पार्टी है वो अपर कोर्ट में आपको सेशन से बेल मिल गया और उस
कोर्ट उसको चैलेंज करने के लिए वो हाई कोर्ट भी जाके आपके बेल को कैंसिल करा सकती है। लेकिन बेल को कैंसिल कराने के लिए जो जो मैंने बोला है वो कारण होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो बेल कैंसिल नहीं होता है। बेल लेना जितना मुश्किल काम नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल बेल को कैंसिल कराना है। बेल को कैंसिल कराने के लिए ये ग्राउंड होनी चाहिए जो मैंने बताया है, उसके बाद ही आपका बेल जो है, आप किसी का भी बेल आप कैंसिल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।